Assalamu alaikum dear students. In the previous class we have discussed some questions of exercise 10.3, and here we are going to discuss the remaining question of this exercise 10.3. So we are on question number 12. Question number 12 of this exercise 10.3 regarding the vectors. It is all about, we have two vectors A and B such that A dot A, the dot product of vector A with itself is equal to 0. And the dot product of vector A with B vector is again equal to 0. So the question is about what can be said about the vector B? What can be concluded about the vector B? Is vector B ke bare mein hum kya bata sakte hain? Kya conclude kar sakte hain? Agar A dot A 0 ke barabar hai aur agar A dot B bhi 0 ke barabar hai, to kya keh sakte hain is vector B ke bare mein? To given for two vectors, given for two vectors A and B. Given for two vectors, we have two vectors A vector and B vector, such that A vector dot A vector is equal to 0 and A vector dot B vector is equal to 0. एक ऐसा वेक्टर है, अगर खुद के साथ डॉट कर दो, डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट बिकॉज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मस्ट बी अ स्केलर क्वांटिटी. सो ए डॉट ए इज इक्वल टू जीरो स्केलर एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू अगेन जीरो स्केलर. नाउ द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट दिस वेक्टर बी. इस वेक्टर बी के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, किस टाइप का ये वेक्टर हो सकता है? तो जिगरा, सिंस ए डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, यहां पे मेंशन करेंगे सिंस ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज, इसका क्या मतलब, ए डॉट ए द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ दैट्स इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर स्क्वायर, बिकॉज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विथ इटसेल्फ गिव्स द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड. सो दैट्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर एंड दैट्स इक्वल टू जीरो. Which further implies that square को उस साइड में ले लो तो square root of plus minus square root of zero बनेगा, plus minus square root of zero फिर से zero के बराबर आएगा, means magnitude of vector A is equal to what? Zero. Now A is that sort of vector whose magnitude is equal to zero. कौन से vector का magnitude zero होता है? Obviously zero vector, null vector. So implies A vector must be equal to zero vector. तो ए वेक्टर के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर होगा कौन सा वेक्टर, जिगरा जीरो वेक्टर. नाउ ए डॉट बी भी जीरो के बराबर है, लेकिन ए इसमें से कौन सा वेक्टर है, जीरो वेक्टर. तो जीरो वेक्टर को बी वेक्टर से डॉट कर दो, जीरो आएगा, ऑब्वियसली आएगा. सो ये बी वेक्टर जो है, ये कोई भी वेक्टर आप ले लो, इसको जब आप जीरो वेक्टर के साथ डॉट करोगे तो रिजल्ट ऑब्वियसली जीरो आएगा. सो नथिंग कैन बी कंक्लूडेड अबाउट दिस वेक्टर बी. ये वेक्टर बी कुछ भी हो सकता है, जीरो वेक्टर हो सकता है, नॉन जीरो वेक्टर हो सकता है, यूनिट वेक्टर हो सकता है, कोई भी वेक्टर हो सकता है, क्योंकि किसी भी वेक्टर का डॉट जीरो वेक्टर से कर दो, क्योंकि ए इज अ जीरो वेक्टर. सो किसी भी वेक्टर का डॉट जीरो के साथ कर दो, ऑब्वियसली रिजल्ट जीरो आएगा. Now A dot B is equal to 0. That is B vector. Iska kya matlab? B vector can be any vector. Ye B vector jo hoga, ye any, koi bhi vector ho sakta hai. Because the dot product of or scalar product of the dot product of zero vector with any vector is a zero scalar. तो चूंकि a vector zero vector है, zero vector का dot किसी भी vector से कर दो, result obviously zero vector ही आएगा. So, ये B वेक्टर जो है, ये कोई भी वेक्टर हो सकता है, लिहाजा किसको, ये कोई स्पेसिफिक वेक्टर नहीं है. सो नथिंग कैन बी कंक्लूडेड अबाउट दैट इज, इसका क्या मतलब, नथिंग कैन बी कंक्लूडेड अबाउट वेक्टर B फ्रॉम द गिवन कंडीशन. गिवन कंडीशन को ले लो तो आप इस वेक्टर बी के बारे में कुछ नहीं कह सकते,
क्योंकि इसको डॉट है जीरो वेक्टर के साथ, तो जीरो वेक्टर का डॉट जब हम किसी भी वेक्टर से करेंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट जो है वो जीरो ही आएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ दिस एक्सरसाइज 10.2। नाउ लाइज क्वेश्चन नंबर 13, एंड द क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑल अबाउट इफ ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज अ जीरो वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन as far as this exercise is concerned. Question number 13 says that we have three unit vectors, vector A, vector B and vector C. We have three unit vectors, vector A, vector B and vector C, such that A plus A dot B plus say that A plus B plus C is a zero vector. If you are going to find the sum of all the three vectors A, B and C, and that must be equal to zero vector. And from these two conditions, we have to find the value of A dot B plus B dot C plus C dot A. An important question this one is, to jigra given vector A, vector B and vector C are unit vectors. वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी जो हैं, ये हैं जिगरा यूनिट वेक्टर्स। इसका क्या मतलब? तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मस्ट बी इक्वल टू वन, वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड वन होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मस्ट बी अगेन इक्वल टू वन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी मस्ट बी अगेन इक्वल टू वन, बिकॉज ऑल द थ्री वेक्टर्स आर सॉर्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। And the definition of unit vector says that a unit vector is a vector whose magnitude is equal to unity means 1. Also, और दे रखा है, क्या दे रखा है जिगरा, कि अगर आप A vector को add करोगे B vector से, को add करोगे C vector से, तो ये result जो है, it will give you 0 vector. And from these two conditions, you need to find the value of A dot B plus B dot C प्लस सी डॉट ए। ये आपको निकालना है, ये रिजल्ट किसके बराबर आ रहा है। ए डॉट बी स्केलर, बी डॉट सी स्केलर, सी डॉट ए स्केलर। तो स्केलर प्लस स्केलर प्लस स्केलर जो है, ये स्केलर जो लास्ट में आपको मिलेगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो जिगरा सेंस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ए इज अ वेक्टर, बी इज अ वेक्टर, सी इज अ वेक्टर। इफ यू आर गोइंग टू फाइंड देयर सम, दैट मस्ट बी अ वेक्टर अगेन। सो यू हैव अ वेक्टर एंड दैट्स इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो जब ये वेक्टर जीरो वेक्टर के बराबर है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, जीरो, नॉट जीरो स्केलर, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वेक्टर, वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड स्केलर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। व्हाई? बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी इज अ जीरो वेक्टर। इफ इट इज अ जीरो वेक्टर, इट्स मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू जीरो। नाउ इंप्लाइज फ्रॉम हियर वी आर एक्चुअली गोइंग टू स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड में स्क्वेयरिंग कर देंगे। क्यों, ऐसा क्यों, अभी बता देता हूं जिगरा। तो पहले स्क्वेयरिंग करेंगे, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो स्क्वायर, विच इज अगेन व्हाट, जीरो। देखो जिगरा क्यों, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी को ले लो, ये एक वेक्टर है, और हमें एक्चुअली चाहिए ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। कैसे मिलेगा, जब इस ए बी सी को खुद के साथ डॉट करेंगे, क्योंकि ए डॉट ए भी आएगा, ए डॉट बी भी आएगा, ए डॉट सी भी आएगा, बी डॉट बी, बी डॉट सी भी आएगा, बी डॉट ए भी आएगा, बी डॉट सी भी आएगा, इसी तरह सी डॉट ए भी आएगा, सी डॉट बी भी आएगा। तो कैसे आएगा, जब इस वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी को खुद के साथ डॉट करेंगे। तो जब एक वेक्टर वी को हम खुद के साथ डॉट करते हैं, यहां से रिजल्ट क्या आता है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ गिव्स यू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वी स्क्वायर। ठीक है जिगरा? हां जिगरा, तो बात कर रहे थे मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब स्क्वायर क्यों लिया, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू वी डॉट वी, और जब इस वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी को खुद के साथ डॉट करेंगे, तो वहीं से मिलेगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो इसीलिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो दिस फर्दर इंप्लाइज दैट यस जिगरा, नाउ मॉड वी
दिस इज एक्चुअली वेक्टर वी मॉड स्क्वायर, तो मॉड वी स्क्वायर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ, सो इट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और इसी वेक्टर का डॉट कर दो खुद के साथ, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहां पे रीजन दे देंगे बिकॉज वेक्टर वी डॉट वेक्टर वी मस्ट बी इक्वल टू मॉड वी स्क्वायर, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ ऑलवेज गिव्स यू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, सो इंप्लाइज दिस कैन बी फर्दर रिटन एज, अब ए से पहले डॉट कर दो एबीसी को, बी से डॉट कर दो एबीसी को, सी से डॉट कर दो एबीसी, तो क्या मिलेगा ए डॉट ए, सो दिस इज ए डॉट ए यस जिगरा प्लस ए डॉट बी हां प्लस ए डॉट सी, अब बी से कर दो तो प्लस बी डॉट ए प्लस यस बी डॉट बी, सो दैट इज बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी, अब सी से कर दो तो प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, विच कैन बी फर्दर रिटन एज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ, सो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी, इसको ऐसे रखेंगे ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट सी के बदले लिख सकते हैं हम सी डॉट ए, पहले क्वेश्चन में हमें सी डॉट ए चाहिए, हाँ सी डॉट ए चाहिए, तो ए डॉट सी के बदले लिखेंगे सी डॉट ए बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव, बी डॉट ए के बदले लिखेंगे ए डॉट बी बिकॉज अगेन डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव, प्लस बी डॉट बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ विल गिव यू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस बी डॉट सी को ऐसे रखेंगे सो बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए को ऐसे रखेंगे दैट इज सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी के बदले लिखेंगे बी डॉट सी अगेन यूजिंग द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स प्लस सी डॉट सी दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट जीरो इंप्लाइज दिस कैन बी फर्दर रिटन एज नाउ मॉड ए का अपना वैल्यू क्या है जिगर वन so 1 square is equal to 1 plus a dot b plus a dot b plus so a dot b plus a dot b will give us 2 times a dot b haan ji graph plus c dot a plus c dot a so 2 times c dot a plus अबे जिगरा मॉड ऑफ बी स्क्वायर लेकिन मॉड ऑफ बी किसके बराबर है 1 सो 1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1 प्लस बी डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस बी डॉट सी तो प्लस 2 times बी डॉट सी अब सी डॉट ए भी आया अब मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर तो सी का मैग्नीट्यूड ऑफ सी का वैल्यू 1 तो 1 स्क्वायर फिर से आएगा 1 के बराबर एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0 मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बदले 1 बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 1 सो 1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1 नाउ ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी इज 2 टाइम्स ए डॉट बी सी डॉट ए प्लस सी डॉट ए इज 2 टाइम्स सी डॉट ए सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 1 सो 1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1 नाउ बी डॉट सी प्लस बी डॉट सी मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स बी डॉट सी प्लस लास्ट में बचा मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू 1 1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1 एंड दैट्स इक्वल टू व्हाट 0 व्हिच फर्दर इंप्लाइज दैट हां जी रहा 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने आ गए 3 सो 3 प्लस देखो जिगर इस टर्म में भी 2 है इस टर्म में भी 2 है इस टर्म में भी 2 है तो 2 को कॉमन ले लो क्या बचेगा 2 टाइम्स यस ए डॉट बी यहां पे ए डॉट बी यहां पे बी डॉट सी तो प्लस बी डॉट सी और प्लस यहां पे बचेगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट 0 व्हिच फर्दर इंप्लाइज दैट हाँ जी रहा ये प्लस 3 को उस साइड में ले लो तो माइनस बनेगा तो यहां पे बचेगा 2 टाइम्स सो 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए मस्ट बी इक्वल टू व्हाट माइनस 3 व्हिच फर्दर इंप्लाइज दैट अब ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए
मस्ट बी इक्वल टू माइनस थ्री, यहां पे टू मल्टीपल है तो इस साइड में डिवाइड होगा. सो वी हैव एक्चुअली ऑब्टेन्ड द रिजल्ट ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए. सो द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए must be equal to minus 3 divided by 2. So the scalar, a dot b is a scalar, b dot c is a scalar, and c dot a is again a scalar. So the sum of the three scalars such that vector a, vector b, and vector c are unit vectors, and their sum a plus b plus c is a zero vector. The sum of that scalars a dot b, b dot c, and c dot a must be equal to minus 3 divided by 2. So that's all about question number 13. Now lies question number 14 of this exercise, and in that question we have two vectors, A vector and B vector, and the question is if A, either A vector is equal to 0 or B vector is equal to 0, then A dot B is equal to 0, obviously, but converse need not to be true. Lekin iska converse jo hai, iska ulta jo hai, wo sahi nahi ho sakta. We have to justify this result using an example. तो जिगरा ये कह रहा है अगर ए वेक्टर जीरो वेक्टर के बराबर है और बी वेक्टर जीरो वेक्टर के बराबर है, अगर ए वेक्टर जीरो के बराबर है या बी वेक्टर जीरो के बराबर है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऑब्वियसली जीरो स्केलर के बराबर आएगा, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर ए वेक्टर जीरो वेक्टर है तो जीरो डॉट बी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, अगर बी वेक्टर जीरो वेक्टर है तो ए डॉट जीरो वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू जीरो. सो ये सही है. लेकिन अब ये कह रहा है कि कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू. कन्वर्स मीन्स अगर अब ए डॉट बी, पहले ए जीरो के बराबर है या बी जीरो के बराबर है, तो इसमें से रिजल्ट जो है ए डॉट बी वो जीरो के बराबर आ रहा है. अब कन्वर्सली अगर ए डॉट बी जीरो के बराबर आ रहा है, तो क्या ये जरूरी है कि आइदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो? ये कह रहा है कि दिस नीड नॉट टू बी ट्रू. ये जरूरी नहीं है कि यह सही होगा कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि आइदर ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर. वी हैव टू जस्टिफाई दिस यूजिंग एन एग्जांपल. तो बिल्कुल सही है जिगरा, कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, क्योंकि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, ऐसा जरूरी नहीं है या ए वेक्टर जीरो बराबर है, जीरो के बराबर है या बी वेक्टर जीरो के बराबर है. क्यों? क्योंकि अगर आप ए वेक्टर के बदले ले लोगे आई कैप, बी वेक्टर के बदले ले लोगे जे कैप, आई कैप एंड जे कैप आर दैट सॉर्ट ऑफ वेक्टर्स, दैट सॉर्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो ऑब्वियसली देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? जीरो. अब कर दो आई डॉट जे, वो किसके बराबर आएगा? आई डॉट जे इज आर ऑलवेज इक्वल टू जीरो. सो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, लेकिन ना पहला वेक्टर जीरो है ना दूसरा वेक्टर जीरो है. सो अगर ए वेक्टर जीरो है, बी वेक्टर जीरो है, तब ए डॉट बी जरूरी जीरो के बराबर होगा. कन्वर्सली अगर ए डॉट बी जीरो के बराबर है, तो इसका यह मतलब नहीं कि ए जीरो होगा या बी जीरो होगा. नहीं, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है लेकिन जरूरी भी नहीं है. सो ये हमें जस्टिफाई कर देना है. तो यहां पे लिखेंगे इफ इफ आइदर ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, देन A vector dot B vector is equal to 0 is obviously true. ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर A 0 के बराबर है, 0 dot B 0 के बराबर आएगा, अगर B 0 के बराबर है तो A dot 0 भी 0 के बराबर आएगा, is obviously true. But the converse is not true. लेकिन इसका converse जो है, इसका उल्टा जो है, is not true, वो सही नहीं होगा. True always is not true always. क्यों? That is, इसका क्या मतलब? If A vector dot B vector is equal to zero, then it is not necessary that it is not then it is not necessary that either that either A vector is equal to zero vector or B vector is equal to zero vector. ऐसा क्यों? Because if A vector, अगर A vector एक unit vector है, suppose I cap के बराबर, और अगर B vector भी एक unit vector है, suppose J cap के बराबर,
Therefore, इस समय आप कैलकुलेट कर दो ए डॉट बी दैट मस्ट बी इक्वल आई डॉट जे एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो. पढ़ा है हमने ऑब्जर्वेशन में क्या आई डॉट जे हमेशा जीरो के बराबर होता है. सो ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ रहा है, लेकिन ना ए जीरो है ना बी जीरो है. सो ए डॉट बी इज इक्वल टू आई डॉट जे इज इक्वल टू जीरो, बट नाइदर ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर नॉर b vector is equal to zero vector. So that is the justification. That is, अगर दो vectors आपके पास हैं, a vector and b vector, अगर a vector zero के बराबर है या b vector zero के बराबर है, तो obviously उनका dot product zero के बराबर आएगा. Conversely, अगर दो vectors का dot product zero के बराबर है, तो ये जरूरी नहीं है कि उनमें से एक vector zero हो सकता है. नहीं, वो आपस में perpendicular हो सकते हैं. Non zero ले लो, लेकिन अगर वो आपस में perpendicular है, तो obviously dot product किसके बराबर आएगा? Zero के बराबर आएगा. तो अगर दो vectors का dot product zero है, इसका ये मतलब नहीं है कि इनमें से एक vector zero vector होगा. नहीं, इसका ये मतलब भी हो सकता है कि they must be perpendicular to each other. So that is all about question number 14. Now lies the question number 15 of this exercise. Question number 15 of this exercise. And in that question number 15, we have been asked that we have given three vertices of a triangle ABC with their respective coordinates. A, B and C having their respective coordinates. And it is given that they are the vertices of a triangle. And we need to find the, we need to find angle ABC. So we have three vertices. Suppose here lies vertex A, which has its coordinates as 1, 2, 3. 1, 2, 3. We have vertex B, and the coordinates of this vertex B are, coordinates of this vertex B are minus 1, 0, 0. Minus 1, 0, 0. And we have vertex C, suppose here. And the coordinates of that vertex C are, the coordinates of that vertex C are 0, 1 and 2. 0, 1, 2. So suppose we have a triangle like this. This is our triangle A, B, C. A vertex has its coordinates 1, 2, 3. B vertex has its coordinates minus 1, 0, 0. C vertex has its coordinates 0, 1, 2. We need to find angle A, B, C. हमें ये वाला angle calculate करना है. तो पहले हमें जिगरा ये जानना है, ये सबसे important point है इसमें, कि ये angle B जो है, ये किस किस side के बीच में होगा. Rather हम discuss कर लेंगे ये किस किस vector के बीच में होगा. तो अगर आप बताओगे कि angle B जो है वो A, B और बी सी के बीच में, नहीं तो गलत है. बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विद ए जनरल ट्रायंगल, वी आर डीलिंग विद द वेक्टर्स. तो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो तब होगा, वेक्टर्स के बीच में एंगल तब होगा अगर उन दो वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट वही है जहां पे ये एंगल बन रहा है. तो जिगरा अगर आपके पास ये वेक्टर वी वन है सपोज, विच इज डायरेक्टेड दिस वे, अगर आपके पास ये वेक्टर v2 है विच इज डायरेक्टेड दिस वे, तभी इनके बीच में ये एंगल होगा सपोज थीटा. सो ये एंगल जो है, अगर इसका नाम यहां पे a है, यहां का यहां पे b है और यहां पे सपोज c है, तो ये एंगल थीटा a b और a c के बीच में है, ना कि b a और a c के बीच में. तो इसीलिए यहां पे डिस्कस कर लेंगे, हमें ये एंगल b जो है दैट मस्ट बी बिटवीन द वेक्टर्स b c एंड b a, नॉट a b एंड b c. सो हमें बी ए से ऐसे डायरेक्शन लेनी है और बी सी से ऐसे डायरेक्शन लेनी है. बिकॉज एंगल वहां पे फॉर्म हो रहा है. तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल तब फॉर्म होगा जब उनका इनिशियल पॉइंट कोइंसिडेंट होगा. तो इनिशियल पॉइंट है बी. सो दिस वेक्टर ए बी सी, एंगल ए बी सी मस्ट बी बिटवीन द वेक्टर्स बी ए एंड बी सी, नॉट बिटवीन ए बी एंड बी सी. नहीं जिगरा, ये जो एंगल बी है दैट मस्ट बी बिटवीन बी ए एंड बी सी, एंड वी नीड टू कैलकुलेट दैट एंगल. हमें ये एंगल कैलकुलेट करना है. तो जिगरा ये कैलकुलेट कैसे होगा ये एंगल? सबसे पहले हम मेंशन कर लेंगे यहां पे कि वी हैव थ्री गिवन वर्टिसेस. द थ्री गिवन वर्टिसेस
द थ्री गिवन वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर ए ऑफ 1, 2, 3, बी ऑफ -1, 0, 0 एंड सी ऑफ यस 0, 1, 2। तो जिगरा ये एंगल ए बी सी जो होगा वो होगा बिटवीन द वेक्टर्स बी ए एंड बी सी। द एंगल ए बी सी, द एंगल ए बी सी मस्ट बी बिटवीन द वेक्टर्स यस, किन वेक्टर्स के बीच में होगा ये, बी ए एंड बी सी। So, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे वेक्टर बी ए और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे वेक्टर बी सी, क्योंकि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इन ऑर्डर टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, क्या होता है वो, कि द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ दियर डॉट प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड्स। सो सबसे पहले हम वेक्टर बी ए कैलकुलेट करेंगे और वेक्टर बी सी कैलकुलेट करेंगे। सो देयरफॉर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट बी ए वेक्टर। नाउ बी ए वेक्टर इज एनी वेक्टर, और एनी वेक्टर किसके बराबर होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल इस समय क्या है ए, इनिशियल इस समय क्या है बी, तो दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, दैट मस्ट बी इक्वल। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ए इज अ पॉइंट, इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 1, 2, 3, व्हाट वुड बी द पोजीशन वेक्टर, आई प्लस 2j प्लस 3k, क्योंकि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो आप पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। अगर पोजीशन वेक्टर दे रखा है तो आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। दैट इज हमने पढ़ा है कि अ पॉइंट p हैज द कोऑर्डिनेट पेयर x, y इफ एंड ओनली इफ इट इज पोजीशन वेक्टर इज x i कैप प्लस y j कैप। तो जिगरा x कंपोनेंट के साथ, x कोऑर्डिनेट के साथ i कैप, y कोऑर्डिनेट के साथ j कैप और z कोऑर्डिनेट के साथ k कैप, फिर बाद में सम, जो वहां से एक वेक्टर मिलेगा दैट वेक्टर मस्ट बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो क्या आएगा, आई प्लस 2j प्लस 3k, सो दैट इज आई प्लस 2j प्लस 3k। पढ़ा है हमने, ये निकाला है कि एक वेक्टर का, एक वेक्टर के अगर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा, ये हमने ऑब्जर्वेशंस में पढ़ा है जरा। सो माइनस टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी इज अ पॉइंट इट्स कोऑर्डिनेट्स आर -1, 0, 0, व्हाट वुड बी द पोजीशन वेक्टर, माइनस आई प्लस 0j प्लस 0k। तो इंप्लाइज बी ए वेक्टर मस्ट बी देन इक्वल टू यस आई, माइनस इनटू माइनस इज प्लस, सो आई प्लस आई दैट इज 2i, 2j माइनस 0j दैट इज ऑब्वियसली 2j, एंड 3k माइनस 0k ऑब्वियसली प्लस 3k। इज दैट क्लियर? सो आ गया जिगरा वैल्यू किसका, बी ए वैक्टर का। सिमिलरली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वट, बी सी वैक्टर ऑल्सो, ऑल्सो बी सी वैक्टर मस्ट बी इक्वल, अगेन बी सी वैक्टर इज एनी वैक्टर एंड एनी वैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू द पोजिशन वैक्टर ऑफ इट्स फाइनल पॉइंट माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ इट्स इनिशियल पॉइंट। सो दैट इज इक्वल टू पोजिशन वैक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ बी, एंड दैट्स इक्वल पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, सी इज अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स आर 0, 1, 2, व्हाट वुड बी द पोजीशन वेक्टर, 0i प्लस 1j प्लस 2k। माइनस टाइम इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी इज अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स आर -1, 0, 0, पोजीशन वेक्टर मस्ट बी माइनस आई प्लस 0j प्लस 0k। सो इंप्लाइज बी सी वेक्टर इज देन इक्वल टू यस जिगरा 0i माइनस इनटू माइनस प्लस i, 0i प्लस i दैट इज ऑब्वियसली इक्वल टू i, 1j माइनस 0j दैट्स ऑब्वियसली इक्वल टू 1j माइनस j, 2k माइनस 0k दैट इज ऑब्वियसली इक्वल टू 2k। तो जिगरा ये BA वेक्टर जो है ये किसके बराबर आ रहा है, 2i प्लस 2j प्लस 3k, 2i प्लस 2j प्लस 3k। और ये BC वेक्टर जो है ये किसके बराबर आ रहा है, ये BC वेक्टर i प्लस j प्लस 2k। तो ये वेक्टर आ रहा है i प्लस j प्लस 2k। अब ये एंगल रिक्वायर्ड एंगल ABC जो है दैट इज एक्चुअली बिटवीन द वेक्टर्स BA एंड
BC, तो B वेक्टर आपके पास अवेलेबल है, BC वेक्टर आपके पास अवेलेबल है, एंड यू नीड टू फाइंड द एंगल बिटवीन देम बाय द एक्सप्रेशन. क्या है वो एक्सप्रेशन? द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन, यस, द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ दियर डॉट प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड्स. सो आपको बी ए वैक्टर को बी सी वैक्टर के साथ डॉट करना है, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी निकालना है, डॉट को डिवाइड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी से, उसको लेना है कॉस ऑफ एंगल ए बी सी के बराबर, तो वहां से आएगा एंगल ए बी सी. नाउ नाउ कोसाइन ऑफ एंगल, कोसाइन ऑफ एंगल ए बी सी मस्ट बी इक्वल, यस, बी ए डॉट बी सी, बी ए डॉट बी सी डिवाइडेड बाय, हां जी ग्रा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए, सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वैक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वैक्टर. बिकॉज ऐसा क्यों? द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स वी वन एंड वी टू मस्ट बी इक्वल टू वी वन डॉट वी टू, पढ़ा है हमने एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स में, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वी वन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी टू बाई द एक्सप्रेशन टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स. सो इंप्लाइज कोसाइन ऑफ एंगल ए बी सी, कोसाइन ऑफ एंगल ए बी सी मस्ट बी देन इक्वल टू बी ए डॉट बी सी. बी ए इज ए वैक्टर एक्सप्रेसड इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, बी सी इज ए वैक्टर एक्सप्रेसड इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स. वेन टू वैक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ दियर कंपोनेंट्स, वट वुड बी दियर डॉट प्रोडक्ट? सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ दियर कॉरस्पॉन्डिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. पहले स्केलर कंपोनेंट को पहले स्केलर कंपोनेंट के साथ मल्टीपल प्लस, दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीपल प्लस, तीसरे को तीसरे के साथ मल्टीपल, लेकिन स्केलर कंपोनेंट. तो यहां पे क्या स्केलर है? टू. यहां पे क्या है? वन. तो रिजल्ट आएगा जिगरा टू इंटू वन प्लस, यहां पे दूसरा स्केलर कंपोनेंट टू, यहां पे वन, तो रिजल्ट आएगा टू इंटू वन प्लस, शाबाश. यहां पे तीसरा स्केलर कंपोनेंट थ्री, यहां पे तीसरा स्केलर कंपोनेंट टू, तो रिजल्ट आएगा थ्री इंटू टू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वी वन, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वैक्टर. तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वैक्टर, बी ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड, बी ए वैक्टर एक्सप्रेस है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स. एंड वेन वैक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द स्केलर कंपोनेंट्स, टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर. सो टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर इंटू नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ बी सी, दैट इज वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर. हां जी ग्राफ. तो इंप्लाइज यहां से क्या मिलेगा? कोसाइन ऑफ एंगल ए बी सी मस्ट बी इक्वल टू इंटू वन, टू इंटू वन, थ्री इंटू टू, सो सिक्स प्लस टू प्लस टू, दैट इज टेन डिवाइडेड बाय 2 square is 4, 2 square is 4, 3 square is 9. So 9 plus 8, square root of 17. Haan ji ga, 2 square 4 plus 1 plus 1, that is square root of 6. So implies cosine of angle ABC must be equal to, haan ji ga, 10 divided by, मल्टीपल कर दो तो स्क्वायर रूट ऑफ 6, 7 इज आर 42 माइनस 2, 6 माइनस आर 6 प्लस 4 इज 10, तो स्क्वायर रूट ऑफ 102. अब 10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 102 कर दो तो मस्ट बी अ रियल नंबर विच लाइज इन द क्लोज्ड इंटरवल माइनस 1 कमा 1, एंड दैट क्लोज्ड इंटरवल माइनस 1 कमा 1 इज द डोमेन ऑफ व्हाट? कॉस इनवर्स. सो ऑपरेटिंग कॉस इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, जब कॉस इनवर्स दोनों साइड ऑपरेट कर देंगे, ऐसा नहीं कि कॉस यहां पे कॉस है तो इस साइड में कॉस इनवर्स बनेगा, नहीं जिगरा, ऑपरेटिंग कॉस इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, पढ़ाया है मैंने इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस में. तो इंप्लाइज यहां पे क्या होगा कि जब हम कॉस इनवर्स दोनों साइड ऑपरेट कर देंगे तो कॉस इनवर्स और कॉस बनेगी आइडेंटिटी फंक्शन. रिजल्ट क्या बचेगा? एंगल ए बी सी मस्ट बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 102. सो एबीसी, एंगल एबीसी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 102. सो द एंगल बिटवीन
vectors BA and BC must be cos inverse 10 divided by square root of 102. So that is all about question number 15. Now lies another one, and that is question number 16. And in that question number 16, we have to prove that 3 points are collinear. How we can prove that? We have three given points with their respective coordinates, and we have to actually prove that they are collinear. They are lying on a same straight line. तो जिगरा हमारे पास तीन points हैं. एक है point A of 127. We have three given points. A of 127. We have another point B of 263, and we have another point C of having its coordinates as 310 minus 1. And we have to prove that all the three points are collinear. How we can prove all the three points are collinear? कैसे प्रूव करेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं कोलीनियर है? तो जिगरा कैसे प्रूव करेंगे? फर्स्ट वी विल फाइंड दिस वेक्टर ए बी, आफ्टर देन वी विल फाइंड दिस वेक्टर ए सी, पूरा वेक्टर ए सी वेक्टर. तो अगर हम ये प्रूव कर पाए कि ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर कोलीनियर वेक्टर्स हैं, कोलीनियर वेक्टर्स दो टाइप्स के होते हैं, या इनका ये सपोर्ट जो है वो सेम है, एक ही सपोर्ट पे एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, या इनके सपोर्ट्स जो हैं वो पैरेलल हैं. लेकिन अगर बात करेंगे ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर की, इनका इनिशियल पॉइंट सेम है. तो जब दो वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम है, वो उनके सपोर्ट्स जो है वो पैरेलल नहीं हो सकते, तो क्या हो सकते हैं? सेम सपोर्ट होना चाहिए, सेम सपोर्ट हो सकता है, या ये एक वेक्टर ऐसे और एक वेक्टर सपोज ऐसे. तो जिगरा अगर हम प्रूव कर पाए कि ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी वेक्टर, इसके बाद निकालेंगे ये पूरा ए सी वेक्टर. फिर अगर हम प्रूव कर पाए कि ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर कोलिनियर है, यानी इनके सपोर्ट्स सेम है, पैरेलल नहीं हो सकते, क्योंकि ए बी और ए सी, अगर सपोज ये आपके पास ए बी वेक्टर है, सपोज ये आपके पास ए सी वेक्टर है, तो ये ए बी वेक्टर है, ये ए सी वेक्टर है. तो जिगरा अगर ये ए बी है, अगर ये ए सी है, इनके सपोर्ट्स पैरेलल नहीं है. लेकिन अगर हम प्रूव कर पाए कि इनके सपोर्ट्स पैरेलल हैं, तब ये वेक्टर्स ऐसे पैरेलल है या सेम है, मतलब अगर ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो अगर ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं, कोलिनियर वेक्टर्स दो टाइप्स के होते हैं, या इनके सपोर्ट्स पैरेलल होते हैं, या इनके सपोर्ट्स सेम होते हैं. लेकिन अगर इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो पैरेलल बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या है? सेम है. तो मीन्स अगर हम प्रूव कर पाए कि ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर यस आर कोलिनियर, देन देयर सपोर्ट्स मस्ट बी सेम. व्हेन देयर सपोर्ट्स आर सेम, ए बी एंड सी, वी हैव टू वेक्टर्स ए बी एंड ए सी, देयर सपोर्ट्स आर सेम, मीन्स ए बी एंड सी लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन. जब ये एक ही सेम स्ट्रेट पर लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली दे मस्ट बी कोलिनियर. तो जिगरा सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर किसके बराबर आ रहा है. द थ्री गिवन पॉइंट्स आर क्वेश्चन नंबर 16 में, द थ्री गिवन पॉइंट्स आर, यस व्हाट आर दे? ए ऑफ 127, बी ऑफ 263 and C of 310 minus 1. Therefore, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे जिगरा ए बी वैक्टर, एंड दैट मस्ट बी इक्वल. फिर दो वैक्टर्स ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर कोलिनियर कब होंगे? कैसे प्रूव कर सकते हैं कि टू वैक्टर्स आर कोलिनियर? पढ़ा है हमने जिगरा कि वेन वन इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर. अगर दो वेक्टर्स ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है, तो सिर्फ स्केलर है, यानी मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है, तो दे मस्ट बी देयर, देयर सपोर्ट्स आइदर मस्ट बी सेम और पैरेलल. ओनली दे हैव दे डिफरेंट मैग्नीट्यूड, दे कैन बी डिफरेंट इन सेंस एज वेल, बट सपोर्ट्स मस्ट बी पैरेलल और सेम. व्हेन टू वेक्टर्स सेटिस्फाई द कंडीशन देयर सपोर्ट्स आर पैरेलल और सेम, दे मस्ट बी कोलिनियर.
सो अगर हम प्रूव कर पाए कि एसी वेक्टर, बड़ा वेक्टर तो एसी वेक्टर है और छोटा वेक्टर यहां पे ए बी वेक्टर है, तो अगर हम प्रूव कर पाए कि एसी वेक्टर इज सम स्केलर टाइम्स ए बी वेक्टर, यानी एसी वेक्टर को अगर मल्टीपल करेंगे कोई स्केलर, ए बी वेक्टर को मल्टीपल करेंगे कोई स्केलर, तभी वो एसी वेक्टर के बराबर आएगा, तो देन दे मस्ट बी कोलिनियर। सो ए बी वेक्टर इज एनी वेक्टर, और एनी वेक्टर किसके बराबर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ इट इज फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इट इज इनिशियल पॉइंट। सो दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, एंड दैट्स इक्वल पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी इज अ पॉइंट, इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 2 6 3, द पोजीशन वेक्टर मस्ट बी 2i प्लस 6j प्लस 3k माइनस टाइम इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ए इज अ पॉइंट, इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 1 2 7, पोजीशन वेक्टर मस्ट बी आई प्लस 2j प्लस 7k। सो इंप्लाइज ए बी वेक्टर इज देन स्ट्रेट अवे इक्वल टू यस 2i माइनस i, दैट्स इक्वल टू i, 6j माइनस 2j, दैट्स इक्वल टू प्लस 4j, एंड 3k माइनस 7k, दैट्स इक्वल टू माइनस 4k। तो ये ए बी वेक्टर आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे ए सी वेक्टर। नाउ AC वेक्टर फिर है एनी वेक्टर, और एनी वेक्टर फिर से किसके बराबर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ इट इज फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इट इज इनिशियल पॉइंट। सो दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, एंड दैट मस्ट बी इक्वल पोजीशन वेक्टर ऑफ C, C इज अ पॉइंट, इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 3 10 माइनस 1, द पोजीशन वेक्टर मस्ट बी 3i प्लस 10j माइनस के, माइनस टाइम इज पोजिशन वैक्टर ऑफ ए, ए इज अ पॉइंट, कॉर्डिनेट्स आर 1 2 7, द पोजिशन वैक्टर मस्ट बी आई प्लस 2 जे प्लस 7 के। तो इंप्लाइज ए सी वैक्टर किसके बराबर आ रहा है, शाबाजी का 3i माइनस i, दैट इज 2i, 10j माइनस 2j दैट इज प्लस 8j, माइनस k माइनस 7k दैट इज माइनस 8k। सो आ गया ए बी वैक्टर, आ गया जिगरा ए सी वैक्टर। अगर ये दो वैक्टर्स आपस में एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि वन वैक्टर इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वैक्टर, देन दे मस्ट बी कोलिनियर, क्योंकि कोलिनियर वैक्टर्स या पैरेलल वैक्टर्स ये कंडीशन जरूर सेटिस्फाई करते हैं कि वन इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होता है। तो जब एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा, ऑब्वियसली जो सपोर्टर्स हैं वो या सेम होंगे या पैरेलल होंगे। तो नाउ अगर हम ले लेंगे जिगरा एसी वेक्टर, किसके बराबर आ रहा है एसी वेक्टर, 2i प्लस 8j माइनस 8k, 2i प्लस 8j माइनस 8k, That's equal. 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 को कॉमन लेके आओ, क्या बचेगा वहां पे, i प्लस 4j माइनस 4k implies. So AC vector must be equal to 2 times i प्लस 4j माइनस 4k, i प्लस 4j माइनस 4k, what is that? AB vector. So AC vector is equal to 2 times AB vector. AC vector is equal to 2 times AB vector. Means AC vector is the scalar multiple of AB vector. That is, AC vector is the scalar multiple of AB vector. When one vector is the scalar multiple of other, obviously they are. So therefore, AB vector and AC vector are collinear vectors. AB vector and AC vector are collinear vectors. तो जिगरा AB vector और AC vector आपस में collinear है, लेकिन collinear तब भी होते हैं जब suppose अगर ये AB है और suppose अगर ये AC vector है, तो कोलिनियर वेक्टर्स तब भी होते हैं कोलिनियर अगर इनके सपोर्ट्स पैरेलल हैं, लेकिन इन दैट केस देयर सपोर्ट्स
cannot be parallel. Why? Because they have the same initial point A. जब सेम इनिशियल पॉइंट होगा ए तो एसी भी यहीं से ऑरिजिनेट होगा. तो अगर एसी को ऐसे ऑरिजिनेट करेंगे ऐसे एसी होगा तो दे आर नॉट देन कोलिनियर. तो अगर ये ए बी है ये होगा जिगरा एसी. मीन्स दे मस्ट बोथ टू वेक्टर्स मस्ट लाई ऑन द सेम सपोर्ट. सो देयरफॉर ए बी वेक्टर एंड एसी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स. But AB vector and AC vector have the same initial point. But AB vector and AC vector have the same initial point A. ये हमने mention क्यों किया है? क्योंकि वेक्टर्स तब भी कोलिनियर होते हैं अगर इनके सपोर्ट्स पैरेलल होते. लेकिन इस केस में सपोर्ट्स पैरेलल नहीं होंगे. इस केस में सपोर्ट सेम होगा. जब भी दो वेक्टर्स ए बी और ए सी का सपोर्ट सेम होगा तभी पॉइंट्स ए बी और सी एक ही लाइन पे लाई करेंगे. ठीक है. सो बट ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर हैव द सेम इनिशियल पॉइंट ए. देयरफॉर इसका क्या मतलब? ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर हैव द सेम सपोर्ट. तो इन दो वेक्टर्स का सपोर्ट जो है वो सेम होगा. जब सपोर्ट सेम होगा तो इसका क्या मतलब? देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर लाइंग ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन मीन्स आर कोलिनियर. तब ये तीनों पॉइंट्स जो हैं दे मस्ट बी कोलिनियर. सो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 16.